ज्योतिर्लिंग पगपाळा करी चुक्या छे अने अत्यारे तेओ सीधा ज नीचे तिरुपति बालाजी थी थईने धीरे धीरे दीव दमण थई तेओ सोमनाथ मंदिर पहोंच्या छे। तेमनी साथे वात करीशुं, बिहार ना छे तेओ। आप ज्योतिर्लिंग अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग पैदल चल के करने वाले है, कहां से आए और सोमनाथ कब पहुंचे आप? मेरा नाम अविनाश कुमार झा, मैं बिहार के पूर्णिया जिला से निकला था 8 सितंबर 2022 को। तो शुरू में जब निकला तो लगा कि 1.5-2 साल लग जाएंगे पूरे यात्रा करने में, लेकिन उसके बाद अभी तक के 6 महीने में 7वां ज्योतिर्लिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है। पहले मैं निकला था बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, वहाँ से जगन्नाथपुरी उड़ीसा, फिर श्रीशैलम, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, बैंगलोर इस्कॉन टेम्पल, कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, शनि शिंगणापुर और शिरडी होते हुए अभी मैं गुजरात आया हूँ। तो साउथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, जब से महाराष्ट्र इन किया हूँ उसके बाद गुजरात में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला सभी के द्वारा, और सभी गुजरात के जितने भी आदमी उनका तहे दिल से धन्यवाद कि। और मेरा मकसद था कि सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए निकला हूँ, बस थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाए, और इन लोगों ने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया कि अब गुजरात से जाने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा आगे। और यहाँ से अब निकलेंगे द्वारिका, द्वारिका से नागेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, वहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री होते हुए वापस काशी विश्वनाथ, और उसके बाद वहाँ से लास्ट मेरा यात्रा पशुपतिनाथ नेपाल। क्या बात है। और एक चीज, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं भगवान के दर्शन करके कुछ अलग ही महसूस करते हैं, और कहते हैं कि भगवान को अगर भाव दिया जाए, प्रेम दिया जाए, बस वही काफी है, और भोलेनाथ तो सच में बोले हैं, वो बिल्कुल जल्दी से रीझ जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप तो पैदल चल के आए हैं, कैसा महसूस हुआ इतनी यात्रा करने के बाद जब पहली बार ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए? सबसे बड़ी बात है कि उनके मर्जी के बिना तो पैदल चलना मुमकिन ही नहीं था मेरे लिए, और यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा कुछ अलग था। और सारे ज्योतिर्लिंग में जाने में क्या था कि ज्योतिर्लिंग जैसे आने वाला है तो मैं और स्पीड में चल के पहुँच जा रहा था, लेकिन सोमनाथ में क्या हुआ कि यहाँ से 20 किलोमीटर पहले के बाद आ ही नहीं रहा, चले जा रहे आए नहीं। डेली मैं 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर चलता हूँ पैदल, और ये 40 किलोमीटर चलने में 15 घंटे लग गए, जो मेरा यात्रा मुश्किल से 8 घंटे का होता है और दिन, लेकिन यहाँ आने में 15 घंटे का समय लगा। तो कुछ अलग चीज तो है, मेन चंद्रमा इनका यहाँ पर स्थापना चंद्रमा के द्वारा किया गया था, तो चांद देखने में बहुत नजदीक लग रहा था, लेकिन चांद बहुत दूर था, बहुत दूर, बहुत दूर। और एक आखिरी सवाल, आपकी जो भी पूरी यात्रा है और आपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, ये विचार आपको कहाँ से आया कि मुझे ये करना है और आप 2022 में ऐसे निकले? विचार देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सभी बोलते हैं कि महादेव, और हम लोग बाबा बोलते हैं। हाँ। बाबा मन में है, तो मन से विचार है, मतलब इच्छा होने की थी और जरिया हम है। हाँ। चलाने वाले भी वही है। हाँ। वो नहीं रहते तो मैं चल ही नहीं पाता। वो नहीं रहते तो मैं चली नहीं पाता, अने भक्तों छे के जे वही आव्या छे, अने तेमनी साथ